और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो में लेकर आया टाइटल है, टाइटल है राज के यहाँ सब कुछ इम्पोर्टेड है, हिंदी मीडियम मूवी सीन इरफान खान सबा कमर। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले। इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोई चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भाई सब कुछ दे दो, बहन जी को जूस दे दो। भाई क्या ले आया, ये तिल का लड्डू टाइप? कैवियर सर, बेलुगा कैवियर। हाउ इज इट सर? बहुत बढ़िया है। क्या डाल रखा है इसमें? सर अंडे है, मछली है। अबे यार अबे एक काम कर यार, पकौड़े ले यार, पकौड़े पापड़ पिज्जा बर्गर ये सब रख, दोबारा बदला इसको। अरे यार टाइम लगेगा ना टेस्ट बदलने में। ओ भाई टेस्ट खराब। किससे कहा था खाने के लिए? अच्छा सुनो, ये इम्पोर्टेड विस्की बॉटल में ना अपने जीके वाले ब्रांड्स मत ऐड कर देना प्लीज। ओ यार इतना लोड ना ले भाई मिट्टो, थोड़ा पार्टी है, मजा ले ले यार। मजे के लिए पार्टी नहीं की मेरी जान, थोड़ा चिल कर यार। पिया के फ्रेंड्स बनाने के लिए की। बन जाएंगे बन जाएंगे, थोड़ा चिल कर, थोड़ा चिल कर मेरी जान। एक्सक्यूज मी, हां यस द सॉरी सायर। ओ चलो राज छोड़ो इसे। कम कम हाय कबीर, तुम यहाँ कैसे? तुमने आयान को बुलाया तो उसके पापा तो आएंगे ही ना। हाय, दिस इज माय वाइफ आरती। हाय, मेरे हस्बैंड। माय सेल्फ राज बत्रा, पुनरो बत्रा फैशन स्टूडियो। लो भाई साहब। भाभी, भाभी। ओह थैंक यू। क्या लेंगे भाभी जी? बोलिए बोलिए, सब इम्पोर्टेंट है। आई विल हैव अ मोहितो। सुन ओ भाई सुन सुन, देख मैडम कुछ मांग रही है अपने पास है क्या? विस्की विस्की पीते हैं आप? जी बड़ा बनाऊं? श्योर, मैं बनाता हूं, मैं बनाता हूं। आ जा भाई। ओके मैम। इधर आ। यू गाइस नो ईच अदर? जस्ट वेंट टू द सेम कॉलेज। आइए ना अंदर, आइए ना, यहां क्यों खड़े हैं? जी चलें। अरे अरे रुको रुको, मैं आता हूं। फ्यूज ठीक करके आ जा। अरे यार फ्यूज उड़ गया, तू क्या कर रही है? क्या हुआ? कोई बिजली नहीं गई, मैंने बंद किया। क्यों? ये क्या वाहियात किस्म का डांस कर रहे थे तुम अंदर? अरे यार पिया का फेवरेट सॉन्ग है, देख कितना एंजॉय कर रही है वो, सबको कितना मजा आ रहा है। सबको मजा आ नहीं रहा राज, सब तुम्हारे मजे ले रहे हैं, पता नहीं तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही। राज तुम तो चांदनी चौक से बाहर आ गए, लेकिन चांदनी चौक तुम्हारे अंदर से नहीं निकल रहा। ठीक है यार, डांस नहीं करेंगे और क्या? प्लीज प्लीज मत करना मेरी खातिर। चल ठीक है ठीक है, नहीं करूंगा, चल आ जा, चल पार्टी में चल, चल ना ऊपर तो चल। राज दो मिनट, मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। चल यार राज, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। गाना चेंज कर दे यार। ओके सर। गाना चेंज कर दे। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हैं आप? हाँ आप तो प्ले कर रही थी ना। कोई मेरे साथ खेलता नहीं। फाइट किया आपने? नहीं मैंने फाइट नहीं किया। अच्छा रोना बंद करो, मामा अभी इनसे पूछते हैं कि वो आपके साथ क्यों नहीं खेल रहे। आओ मेरे साथ। आयान, हैव यू किड्स? हाय, आप लोग क्यों नहीं खेल रहे प्रिया के साथ? शी टॉक्स इन हिंदी। अरे तो आप ही बात कर लेना हिंदी में। मम्मा सेज डोंट टॉक इन हिंदी। पर पिया तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना बेटा, वो आपके साथ खेलना चाहती है। मैं तो मैरिज भी करना चाहती हूँ। ओह लेकिन इसके लिए बात करनी पड़ेगी ना। पॉइंट तो है। हम्म, क्या कहते हैं? लेट्स गो होम। क्यों मना करें बच्चों को हिंदी में बात करने से? हिंदी में बात करना बैड हैबिट होती है क्या? नो नो नो, इट्स नॉट अ बैड हैबिट, पर इनके स्कूल में अलाउड नहीं है। अच्छा अच्छा, पर ये स्कूल थोड़ी ना है, यहाँ क्यों टेंशन ले रही है? आई नो, पर आपको तो स्कूल की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इन्हें कहीं पे भी भेज दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? Does it really matter? मतलब
आप लोग तो चांदी चौक पे बैठ के एक दुकान चलाते हैं और आगे जाके आपके बच्चे भी यही करेंगे, पर our kids can't do that. हम इन्हें दिल्ली के टॉप स्कूल्स में इसलिए भेजते हैं कि ये बड़े होके कुछ कर सके, अपनी लाइफ बना सके. लाइफ में तो पिया भी जरूर कुछ करेगी. और सिर्फ आपके बच्चे नहीं है जो इलाइट स्कूल में पढ़ते हैं, पिया भी जा रही थोड़े दिनों में वहीं पढ़ने. कम पिया. What was that? Elite. Mama, दुख रहा है. Pia, from आज से ना केवल English only. Mama, it's hurting. It's a random clip. कल से शुरू हो रही है दिल्ली की सबसे बड़ी दौड़. नहीं, मैं किसी मैराथन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली स्कूल के नर्सरी के एडमिशन्स के बारे में. 1400 स्कूल्स कल से अपने फॉर्म बांटने शुरू कर रहे हैं. देखते हैं कौन से माँ बाप ये बाजी जीतेंगे. 1400 स्कूल. भाई साहब लाइन है क्या? हाँ जी लाइन है. ये स्कूल फार्म की लाइन है क्या? जी. फार्म मिल रहा है इधर? हाँ जी. ओ भाई, हाँ जी. शौक नहीं है 253 लोगों को ठंड में सुबह सुबह लाइन में लगने का. सही बात है. आइए पीछे आइए. हाँ जी. 254 नंबर है आपका. सुबह जल्दी आ गए भाई साहब. जी 5 बजे आ गया था. 4 बजे का खड़ा हूँ भाई साहब. मैंने तो 12 बजे लाइन पकड़ ली थी. 12 बजे से कहीं नहीं गया. सारा इंतजाम लेके चलते हैं भाई साहब. पागलपन नहीं, स्कूल एडमिशन है ये. एडमिशन फॉर्म है क्या? हाँ राज, खाने में क्या खाओगे? धक्के खा रहा हूँ मिट्टू. मैं अभी तो धक्के खाऊंगा. इतनी लंबी लाइन है क्या? लाइन है कोटे कोटे. जिसके माँ बाप पढ़ते थे उनका कोटा है, भाई बहन का कोटा है. फिर बोलते हैं हम तो खाली फार्म लेने खड़े हुए हैं. फार्म मिल भी गया तो बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करेंगे. ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन वो इंटरव्यू का. आगे बढ़ ले भाई, नाई की कुर्सी नहीं है. आगे बढ़ ले. चलो कोई बात नहीं, तुम ना किसी तरह फॉर्म ले लो, फिर देखते हैं क्या करना है. तुम डेली ग्रामर स्कूल से पढ़े हो ना, वहाँ किसी से कह के पिया की सिफारिश लगवा सकते हो. डेली ग्रामर स्कूल में एडमिशन? ओके. हाँ, लेकिन स्कूल के मामले में ऐसे अप्रोच करने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है. बट तो तुमसे नहीं होगा ना. Hey, did I say that? एक तरीका है, एक कंसल्टेंट का नंबर भेज रहा हूँ. कंसल्टेंट नर्सरी एडमिशन के लिए? ट्रस्ट मी, उसने बहुत लोगों की एडमिशन करवाई है. थैंक यू. भाई एक तो है सच है कि भाई वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो है ना ये अपने टाइम की जो है वो है. लेकिन भाई जो हमने अभी सीन देखा ना, इस सीन में जो है ना एक चीज़ आपको वाकई नज़र आती है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग हैं ना उस चीज़ को एज एंटरटेनमेंट देख रहे होते हैं और उनके घर वाले को पता था कि भाई बस मज़े लिए जा रहे हैं इनके. नहीं देखो, यहाँ पर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं कहूँगी इरफान सर का जो करेक्टर है ना वो सही है, क्योंकि वो जो हैं वो वही पोर्ट्रे करते हैं. जो उनकी वाइफ है उनको एलीट क्लास में या उनको दिखाने का एक शौक, जो अभी तक मैंने मतलब एक दो सीन में देखा है. हाँ. उसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा खुद का हम कह लें कि हम कॉम्प्लेक्स होता है कि भाई हम उनसे नीचे हैं या हम उनकी तरह क्यों नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये सारे इश्यूज जो है ना वो हाईलाइट किए गए हैं इस मूवी में, जो कि मुझे लगता है
कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी अपना पैसा सब कुछ वेस्ट करने की, जब आप दूसरों को देकर सब चीज़ें करते हो। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप जैसे हो ना आपको वैसा ही रहना चाहिए, और आपको ऐसे ही लोगों के साथ अपना सोशल सर्कल भी बनाना चाहिए जिनके साथ आप कनेक्ट कर सको, रादर देन के भाई क्योंकि आपको एलीट दिखना है तो इस वजह से आप जो है इतने कष्ट अपनी जिंदगी में उठा रहे हो। लेकिन मोस्टली लोग जो है ना भाई ये कष्ट जो है वो उठाते ही उठाते हैं, क्योंकि जो है ना जिंदगी में कहते हैं कि वो एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के लिए आपको जो है ना कम्पीट जो है वो करना पड़ता है। लेकिन हाँ, इस मूवी की अगर माध्यम से अगर बात की जाए ना तो इरफान खान सर जो है ना एक बड़े रियलिस्टिक इंसान जो है वो दिखाए हुए। ऑन दी अदर साइड जो है ना सबा कमर जो है ना वो एक फैंटेसी लाइफ में तो नहीं मैं कहूँगा कि वो कोई जी रही है, हाँ बहुत है कि उनकी बच्ची जो है वो किसी ना किसी तरह किसी अच्छे स्कूल में जो है ना वो एडमिशन हो जाए। अभी जैसे जो है बीच में नेहा दोपिया जी जो है वो आती हैं और उनका जो है एक बोलने का जो तरीका होता है उससे वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिसहार्ट होती हैं, इम्प्रेस तो नहीं मैं कहूँगा डिसहार्ट होकर ज़रूर जाती हैं, क्योंकि वो भी जिस तरीके से उनको बात कर रही होती हैं वो एक क्लास डिफरेंस जो है वो दिखा रही होती हैं। हाँ। कि भाई आपके जो बच्चे हैं वो वही काम करेंगे जो उनके माँ बाप कर रहे आ रहे हैं और हमारे बच्चे जो वो रूल करेंगे, बेसिकली वो एक स्टेटस डिफरेंस जो है उसको अपनी कॉन्वर्सेशन में बता रही होती है। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि ये एक तरह से ना अननेसेसरी प्रेशर आप अपनी लाइफ में लेते हो, कम्पीट सब लोग करते हैं ठीक है ना, आपको जिस मतलब मुकाम तक पहुँचना होता है लोग वहाँ पर पहुँच सकते, लेकिन और भी बहुत तरीका होता है। प्रॉब्लम मुझे हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी यही लगती है कि भाई फेक स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा होते बिल्कुल। हैं और जो सोसाइटी मतलब एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रहती रखती मुझे लगता है कि वो सोसाइटी ग्रो नहीं करती। बट इंडिया की अगर मैं बात करूँ अभी जैसे ऐसे इश्यूज जो हैं वो हाईलाइट किए जाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, लोगों में और ज़्यादा मुझे लगता है कि एक सेंस आती है कि हम लोगों को किस तरीके से रहना है। और इनफैक्ट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर हम लोग पढ़ाई को लेकर बात करें तो एजुकेशन पर इंडियन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, एंड आई एम श्योर कि विद टाइम जो है वो चीज़ें बेहतर ही हुई होंगी इंडिया में। अभी जैसे इंग्लिश और हिंदी मतलब इसका तो मैं एक अगर हम लोग देखें तो हमने रणबीर का भी पॉडकास्ट देखा था और उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि अगर हम लोग हिंदी में बात करते थे अपने स्कूल में तो हमारे टीचर्स लगाती नहीं हमें कि इंग्लिश में बात करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये प्रेशर जो है ना नहीं हाँ। होना चाहिए जिंदगी में, आगे कम प्रेशर है कि भाई एक और ये प्रेशर लेके लिया जाए, लेकिन इस क्या नाम लेते मतलब हैं भाषा सीखनी जरूर हाँ। चाहिए, बट आई थिंक इतनी भी ज्यादा उसको वैल्यू नहीं कर देना चाहिए कि आपको ना आपकी सोसाइटी जो है उसमें फंसी रहे। बिल्कुल। अच्छा वैसे इस मूवी को देख के ना मुझे अभी रिसेंट टाइम में मैंने एक वेब सीरीज देखी थी जमुना पार, तो मुझे उसकी याद आ गई कि आप दोनों को ना वो रिलेट कर सकते हैं। ओके मैंने नहीं देखी, आपने नहीं देखी, लेकिन ये कि काफी अच्छी मूवी लग रही है। बाकी आप जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि भाई आपको कैसा इंसान बनना या कैसे लोग पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं और उनको कुछ भी गलत नहीं लगता, उनको लगता है हम तरक्की कर रहे हैं इस तरीके से, बट उनके अंदर की बेचैनी कभी ख़त्म नहीं होती इस तरह की तरक्की से। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी साथ मिडल में चैनल करें।